नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो स्पेशल वीडियो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, इंडिया में अराउंड 320 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं एज ऑफ टुडे, जिसे मैं एमसीसी वाले डीम्ड को भी जोड़ रहा हूँ, सबको मिला के जो भी प्राइवेट के अंदर आता है। और फिर से मैं बार बार पता नहीं क्यों हर वीडियो में मेरा फ़र्ज है समझाना कि डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ इस 320 में शायद 125-150 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग एमसीसी कराता है, कुछ स्टेट्स के अंदर आती हैं। तो एमएमयू सोलन भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसकी काउंसलिंग हिमाचल प्रदेश के थ्रू होती है। एमएमयू मौलाना भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बट उसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। राजस्थान के सारे प्राइवेट कॉलेज अदर देन अमेरिकन अनंता डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जिन लोगों को ये भी अभी तक दिमाग में बैठा हुआ है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में भेजना बच्चे को है, तो भी आप एमसीसी के अलावा स्टेट्स भी दे सकते हो। इस क्लैरिफिकेशन के बाद दोबारा से, तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर मुस्लिम मेनल्टी कॉलेजेस। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 24 कॉलेज हैं, और एग्जैक्टली 24 कॉलेजेस हैं। और चूँकि जम्मू एक ऑब्वियस रहता है ना कि जम्मू कश्मीर में होगा, पर वहाँ कम है, क्योंकि या हमें लगता है कि वेस्ट बंगाल में चूँकि बहुत हाई पॉपुलेशन है, वहाँ पर एक भी अभी तक प्राइवेट मुस्लिम मेनल्टी कॉलेज नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, 9 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, JNK का एकमात्र जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जम्मू में वो नहीं है, हिमाचल हरियाणा दिल्ली में एक्चुअली एक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिल्ली। दिल्ली का बहुत फेमस हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें नॉर्मल कट ऑफ 560-570 जाती है एज़ पर 2023, लेकिन वहीं मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चों को 500 एडमिशन मिल गया था। सुपर शानदार कॉलेज, बजट भी रीज़नेबल आता है, आपका सारा पढ़ाई लिखाई 85 से 90 लाख के बीच में हो जाती है। तो अगर आपके 500 नंबर हैं मुस्लिम माइनॉरिटी में फॉल कर रहे हो, तो फिर तो हमदर्द से अच्छा जैसे कहते हैं कुछ है ही नहीं, मतलब सपना है, अदर देन आपका बजट इशूज़ है। और उसमें हम आपको केरल के कॉलेज बताएंगे जो सस्ते पड़ते हैं, या कटिहार बिहार का। तो स्टेप बाय स्टेप हमदर्द एवरीवेयर इट इज़ ग्रेट। तो अगर आप 500 भी पार कर रहे हैं तो आप हमदर्द आ सकते हैं। बगल में लखनऊ उत्तर प्रदेश 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं, 2 लखनऊ में पढ़ते हैं, मैंने दोनों के वीडियोज़ आपको बना के दिखाए हैं, ईरा मेडिकल कॉलेज और इंटीग्रल। ईरा का जो बजट है वो तकरीबन 90 लाख पड़ता है, इंटीग्रल का बजट थोड़ा ज़्यादा 96-97 पड़ता है। ईरा की कट ऑफ फिर भी ज़्यादा रहती है, उसका बजट थोड़ा कम है, तो लास्ट ईयर 250 नंबर के आसपास आपको मिल गया था, जबकि वही इंटीग्रल आपको 220 से मिल गया था। तो देखिए भाई, 220 नंबर पे 90 लाख के बजट में बहुत शानदार कॉलेज है मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए। नॉन मुस्लिम में दोनों कट ऑफ ऊपर थी। करियर इंस्टीट्यूट एक और लखनऊ में ही कॉलेज पड़ता है, सिर्फ 150 नंबर पर मिल गया था। और FH आगरा तो प्रैक्टिकली कैटेगरी क्वालिफाइड 120 नंबर पे 115 नंबर पे भी मिल गया था। तो आप मुस्लिम कैंडिडेट हैं, नॉर्थ में रहने 120 नंबर भी हैं, तो भी आपके पास कंफर्म सीट है FH आगरा में। आप वहाँ जाना चाहें ना जाएं, वो बात अलग है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बजट 90 लाख का आता है। बगल में हरियाणा अल्फला मेडिकल कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी है, 250 नंबर के आसपास मिल गया था लास्ट ईयर में, और उसका जो टोटल बजट है खाना पीना मिला के भाई 80-82 लाख रुपये पड़ता है। तो जितने भी नॉर्थ के मेडिकल कॉलेजेस हैं सब आप समझ लीजिए 80 से लेकर 95 के बीच में हैं, चाहे वो दिल्ली का हमदर्द हो, चाहे वो हरियाणा का अल्फला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चारों हों। फ़र्क ये है जैसे मार्क्स उस हिसाब से आप जा सकते हैं। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, अगल बगल में एक्चुअली पूरे नॉर्थ में कोई नहीं है, और उत्तराखंड में कोई नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं है, बंगाल में कोई नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई नहीं है, राजस्थान में नहीं है, गुजरात में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, और जैसा कि हम जानते हैं तमिलनाडु में नहीं है। फिर जो आते हैं, तो अभी तक हमने कितने कवर कर लिए, 4-6, ठीक है ना, 4 यूपी के, एक दिल्ली का और एक हरियाणा का। फिर जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो आता है कर्नाटका, और कर्नाटका में अल अमीन एक मेडिकल कॉलेज है जो वो 11 लाख की फ़ीस वाला हो गया, ये विजयपुर में पड़ता है। इसमें चूँकि जो भी 11 लाख कम फीस वाले होते हैं कट ऑफ हाई साइड पे रहती है, तो 500 से आपके ऊपर नंबर होने चाहिए, 505-510 अल अमीन जाने के लिए। ख्वाजा बंदे नवाज है गुलबर्गा में, चूँकि इसकी फ़ीस 16.5 लाख रुपये साल है, पैकेज ज़्यादा चला जाता है, तो आपको 450 नंबर चाहिए। तो देखिए वही, यहाँ पर 450 नंबर वाले बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कर्नाटका साइड पर कॉलेज पड़ जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बेल्ट में रहते हैं और वो वहाँ जाना चाहते हैं, और तो वो वहाँ चले आते हैं। उसके बाद आपका जैनोपोला मेडिकल कॉलेज है जो कि वैसे MCC काउंसलिंग में आता है, और थोड़ा सा बजट हाई है, 22 लाख रुपये साल की फ़ीस है, तो 1 CR मेडिकल कॉलेज क्रॉस करता है बजट के हिसाब से, और एक्चुअली अच्छे तरह से करता है, 1.1 तक जाता है। और इसमें
इसलिए 225 नंबर पे भी मिल जाती है सीट अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। और फिर एक कानाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आता है जो कि बेंगलोर में है, सेम 11 लाख फीस है, तो सेम वही 530-540 आपको कट ऑफ लानी ही पड़ेगी। ये चार कॉलेज हो गए कर्नाटका के, चार यूपी में थे, एक दिल्ली हरियाणा, 10 कॉलेज आपको बता दिए। उसके बाद बिहार के दो कॉलेज आते हैं बहुत फेमस, कटिहार मेडिकल कॉलेज, सस्ता भी बहुत पड़ता है, 10 लाख रुपए साल की फ़ीस है, इसलिए कट ऑफ कुछ 500 जाती है, बट वहाँ NRI सीट्स भी होती हैं। मधुबनी मेडिकल कॉलेज भी है बिहार में मुस्लिम माइनॉरिटी, फ़ीस थोड़ी हायर साइड पे चली जाती है, 14-15 लाख रुपए साल की, इसलिए कैटेगरी को सॉरी भाई 150-160 नंबर पे भी आपको मधुबनी मेडिकल कॉलेज आराम से मिल जाता है। तो अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट हैं तो बहुत आसानी से आपको मधुबनी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये हो गए बिहार के दो कॉलेज। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी दो कॉलेज आते हैं, एक विजयवाड़ा में बहुत फेमस निमरा इंस्टीट्यूट, 13.5 लाख रुपए फिक्स्ड फीस है जो कि आंध्र प्रदेश में है, निमरा विजयवाड़ा में है, लास्ट ईयर 325-310 के नंबर चाहिए थे। और फातिमा इंस्टीट्यूट है कडप्पा में, जहाँ पर भैया आपका काम थोड़ा से कम 290 पे हो गया था। तेलंगाना में एक्चुअली चार कॉलेजेस हैं जिसमें से हैदराबाद में ही तीन है, दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस 500 नंबर चाहिए थे बिकॉज ऑफ लोकेशन, शदान इंस्टीट्यूट अगेन हैदराबाद में 490, आयान इंस्टीट्यूट 470, और डॉक्टर VR के वुमेन मेडिकल कॉलेज, ये एकमात्र कॉलेज है मुस्लिम माइनॉरिटी में जो लड़कियों के लिए सिर्फ, तो यहाँ पे कट ऑफ भी 480 जाती है, क्योंकि मैंने कहा कि जो लोग जो साउथ में रहना पसंद करते हैं, मतलब उस नीचे की पांच स्टेट्स में ही रहते हैं, तमिलनाडु के हो गए स्टूडेंट्स, तो उनको भी कंफर्टेबल रहता है कि वो आंध्रा या तेलंगाना में पढ़ ले, या काफ़ी महाराष्ट्र मुस्लिम्स को मैंने वहाँ जाते देखा है, जो मेरे भी स्टूडेंट रहते हैं जो यूपी नहीं आना चाहते, नॉर्थ में बिहार नहीं जाना चाहते फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो जैसा मैंने कहा 24 थे, फिर से रिपीट करता हूँ, चार यूपी में, एक हरियाणा, एक दिल्ली, 6, चार कर्नाटका में आए थे 10, उसके बाद चार तेलंगाना में 14, दो आंध्रा में 16, दो बिहार में 18, और अब 6 कॉलेज हैं केरल में। और केरल में हम जानते हैं फ़ीस बहुत रीजनेबल है, 7,30,000 सबसे सस्ता पड़ता है, इसलिए कट ऑफ केरल में बहुत ऊपर है। बहुत शानदार कॉलेज है MES मेडिकल कॉलेज मल्लापुरम में, 590 कट ऑफ थी उसकी। KMCT मेडिकल कॉलेज है खोजीकोट में, अगेन 570, त्रावणकोर मेडिकल कॉलेज 560, अजीज़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोल्ला 550, अल अज़र मेडिकल कॉलेज थोड़ा कम 530, और पलाकड़ का फेमस करुणा मेडिकल कॉलेज फिर से 580। तो देखिए निष्कर्ष क्या है, कॉलेज तो मैंने आपको बताई थी 14 कॉलेज हैं, ओपन स्टेट्स हैं ये सारे ही, तो हम कहीं भी जाके इसमें एडमिशन ले सकते हैं आप में से जो भी मुस्लिम स्टूडेंट है। एडवांटेज देखिए यही है, जस्ट कम नंबर, बिल्कुल ही आप 115-120 पे आ गए आप FH आगरा जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके थोड़े से भी रीजनेबल नंबर हैं, मतलब कि अगर मैं लिस्ट देखूँ वैसे मधुबनी मेडिकल कॉलेज भी इज़ इन फेमस फॉर द लोकेशन, तो 14 लाख 14.5 लाख पड़ता है, आई थिंक उस नंबरों पर फिर आप करियर ही जाइए। जैसे ही आप 225 पार करते हैं आपके पास UP के दोनों कॉलेज ईरा इंटीग्रल ऑप्शंस आ जाती हैं, बजट बचाना चाहते हो तो नंबर 500 से ऊपर है तो केरल के कॉलेज आपके पास आ जाते हैं, कर्नाटका के 11 लाख वाला कॉलेज आपको मिल सकता है अगर आप भाई 500 की रेंज में है, केरल के तो 550 लट से हमको चाहिए, और यनोपोला एक बेंगलोर का शानदार कॉलेज है फिर से वही 225 नंबर मिल जाएगा, और तेलंगाना के कॉलेजेस हैं जिनके लिए नंबर ज़्यादा चाहिए, बट आंध्रा के दोनों कॉलेज हैं जो फिर भी रीज़नेबल बजट में और रीज़नेबल मार्क्स में आपको मिल सकते हैं, कि अगर आपके भाई 300 की रेंज में हैं तो जिस तरह के आपके मार्क्स और जिस तरह के आपके बजट है, आई थिंक मुस्लिम स्टूडेंट्स को ये एडवांटेज है कि आपको किसी भी नंबर पे सीट मिल जाएगी, और वही आपको एटलीस्ट तमिलनाडु में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो बहुत ऑप्शंस हैं, आई थिंक मुस्लिम स्टूडेंट खाली नहीं जाएगा। और हाँ 200 नंबर से देखिए आपके कम है अगर, फिर तो आपका कम से कम 90 लाख का पैकेज बैठेगा, चाहे आप करियर में जाएँ या आप FH में जाएँ या आप मधुबनी बिहार में जाएँ, ठीक है ना, मतलब सब मिला मुलू के 16 साल नहीं, मधुबनी में तो और आपका काम से कम में हो जाएगा, तो कम बजट में भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, तो अगर आपका बजट का एक कंस्ट्रेंट है तो ठीक है। तो ये है आपके लिए जो कि मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, पूरे हिंदुस्तान में 24 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और जैसा मैंने कहा सबके सब ओपन स्टेट हैं, कर्नाटका का फॉर्म खुला हुआ था, 12th के मार्क्स इस समय अपलोड हो रहे हैं, केरल एक बार फॉर्म खोल के बंद कर चुका है, पूरी उम्मीद है कि नीट रिजल्ट के बाद एक बार दो दिन के लिए केरल भी खुलेगा और शायद कर्नाटका भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ करेगा,
तो तब आप कर सकते हैं। जो बच्चों ने अभी तक नहीं करा, कर्नाटका के जिन्होंने कर लिया था, 12th के मार्क्स अपलोड करने का दो बार दोबारा चांस दिया गया था और अब वो प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। सो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। और जैसा मैंने कहा कि इन सब कॉलेज में से आपके लिए कौन सा फिट होता है, अगर आप एक मुस्लिम स्टूडेंट हैं स्पेशली, और ऐसी बात नहीं है कि आप बाकी देखिए मुस्लिम स्टूडेंट हैं तो इन 24 के अलावा तो पूरा हिंदुस्तान आपके लिए ओपन ही है, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम स्टूडेंट को मुस्लिम एनएलटी में ही जाना है, बट ये एक ऑप्शन है आपके लिए। तो अगर आप इस पर जाना चाहें तो यू नो द थिंग, कॉल अस ऑन 9643362320। यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि वी डो नॉट कॉल यू, वी डो नॉट डू SMS, तो हमारा काम करने का तरीका डिफरेंट है, इसलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट बात भी नहीं करते। जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान है, नॉलेज है, मैं आपको YouTube की वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, बट हमसे डायरेक्टली बात करना चाहें तो यू हैव टू पे। और जो भी हमारे काम होते हैं, चाहे आप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, या फ्यूचर में भी आपको जितना काम होता है वो डायरेक्टली मैं करता हूँ, इसलिए हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लेते हैं एक साल में, क्योंकि सिर्फ फॉर्म फिलिंग करना इज़ नॉट द वर्क, मैं हमेशा कहता हूँ। उसके बीच में दिमाग लगाना, जैसे मैंने कहा कि इन कॉलेज में से आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या आपका टेस्ट है, वो सब आपको बताना ही हमारा असली काम है, जिसकी हम फीस लेते हैं। फीस हमारी 30,000, 50,000, 75,000, तीन पैकेजेस हैं। 30,000 इज फॉर गवर्नमेंट सीट या एक स्टेट का प्राइवेट, 50,000 2-4, 75,000 इफ़ यू हैव टू डू मोर देन 4 स्टेट्स फॉर यू, एंड 1.5 लाख इज़ फॉर NRI सीट्स और मैनेजमेंट सीट्स और नेगोशिएटिंग सीट्स ऑफ यू नो TN पौंडेचेरी यूनिवर्सिटीज़ और राजस्थान मैनेजमेंट और कर्नाटका ओ कोटा, मध्य प्रदेश NRI कोटा एंड महाराष्ट्र IQ कोटा, रिपीट एज पर 2023 सिर्फ यही बचे हैं। बाकी कोई भी आपको कह रहा है कि मैं UP में सीट दिला दूंगा, हरियाणा में दिला दूंगा, हिमाचल में दिला दूंगा, उस बात के आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, बचिए उन लोगों से। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। 9643362320।